हेलो एवरीवन दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जेमे लीवर एंड जेसी लीवर यू नो गाइस सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन मैंने ट्रेलर देखा और बहुत कमाल का लग रहा है ऐसा लग रहा है कि मैं खुद घूमने जा रहा हूं वहां पे तो wow. आप लोग सबसे पहले तो ये बताना सच सच बताना की वेकेशन था या काम था नो डेफिनेटली वेकेशन था एमएक्स um, एक्स uh, के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि आप जाएंगे तो एंजॉय करेंगे और oh. आपको एंजॉय करना ही है और लिटरली जो भी लोकेशन पे हम जा रहे थे दुबई में इतने एक्टिविटीज हमने किए हर एक्टिविटी के बाद दे वुड आस्क अस डिड यू एंजॉय डिड यू लाइक इट हाउ वाज द एक्सपीरियंस तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज वही चीज हम ट्रांसलेट करना चाह oh. रहे थे शो में और अगर आपने देखा है कि हमने एंजॉय किया दैट इज हंड्रेड परसेंट जेन्युन बिकॉज फर्स्ट हैंड हम भी एक्सपीरियंस कर रहे थे तो बिल्कुल vacation ही था <laughs> काम तो बिल्कुल नहीं था <laughs> तो ये जो चैलेंजेस जो आप लोगों ने किए उसमें से अगेन आई नो इट्स बट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा था और सबसे टफ कौन सा था एक्चुअली हाँ वो आ, करने के पहले ऐसा लगा कि ये बहुत टफ होगा लेकिन सबसे इंजॉयबल वही था स्काई व्यूज ऑब्जर्वेटरी एड्रेस होटल में फिफ्टी थर्ड फ्लोर पे हम लोग लटक रहे हैं एक वायर है और एक रस्सी है और आ, हमको लगा कि यार ये कैसे होगा लेकिन हमने जब आ, किया हमारा चैलेंज था कि हमें उधर डांस करना है तो हम okay. एक पल का जीना रशन, कजरारे, कजरारे, कर रहे हैं एकदम बॉलीवुड था वो तो हमने कर लिया और उसके अलावा बलून का भी एक था कि भाई उसकी लैंडिंग बहुत खतरनाक होती है ऑफ बहुत खतरनाक होती है बट हमने एंजॉय किया ना यावरी थिंग पहले वाला जो जैसी ने बताया हार्नेस अटैच और हम लोग फिफ्टी थर्ड फ्लोर से स्विंग कर रहे थे we were swinging तो वो थोड़ा सा इट वाज वी वर नर्वस अबाउट इट बट वी डिड एवरीथिंग मतलब वी didnt have to ha hold on to uh, the harness हाथ खुले रख के वी कुड डांस वी कुड एंजॉय जैसे टास्क दिया था वी हैड टू डांस इन द स्काई लटकते लटकते तो हमने किया वो सब एंड इट वाज फन इट वी रियली चैलेंजेस वर डिफिकल्ट बट ओवरऑल रियली एंजॉयबल यू नो इन्फ्यूजिंग कॉमेडी इन अ चैलेंज ये एक बहुत कमाल का चीज था आपके जो शो का यूएस भी यही है कि आप लोगों ने चैलेंजेस तो सब लोग बहुत सारे ऐसे शो होते हैं लेकिन आई कुड सी यू ऑन दैट यू नो रोलर कोस्टर में भी मेकिंग फेस ही इज मेकिंग अगेन फेस एंड एवरीथिंग ये करना गेटिंग दैट टाइमिंग एंड एक तो अंदर से फटी हुई रहती है और उसके अंदर आप इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो आप लोगों को हंसाने का सोच रहे हो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए आई थिंक सी कॉमेडी कम्स टू अस वेरी नेचुरली हम लोग कुछ भी करते तो हम सोचते हैं कि भाई लोगों को हंसाएं एंटरटेन करें एंड ये शो का मकसद भी वो था पहली बात तो हमारा जो हमारी जो uh, रैपो है हमारे जो बॉन्ड है हमारे वीडियोज में लोगों ने देखा है और सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियोज हमने साथ में बनाए लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया सो so, वो चीज हम बस इस शो में भी लाना चाह रहे थे एंड uh, ब्रीफ यही था कि एक तो भाई बहन कभी हॉलीडे लेते हुए कभी दिखे नहीं है तो ये एक यूनिक चीज है प्लस उसके ऊपर से यू टू आर द फन सिबलिंग कपल ऑलवेज लाइक एंजॉइंग या कुछ कॉमेडी कर रहे हैं तो दैट इज वॉज समथिंग दैट वी वांटेड टू ब्रिंग आउट इन द शो तो वो चीज़ हमने कोशिश की एंड यू नो व्हाट यस वी वर मेकिंग फेसिस स्टार्स वी वर रियली ट्राइंग टू मेक पीपल लव बट ऑल ऑफ इट वॉज कमिंग आउट वेरी नेचुरली टूअर्स यू नो जो भी हम करते हैं कोई भी काम करते हैं तो

मेरा एक अपील रहेगा एज अ व्यूअर एज अ फैन कि प्लीज तीनों आप तीनों और काम कीजिए बिकॉज हम सब हंस सके हम सब एंजॉय कर सके एंड ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट सर के लिए तो भाई आप लोगों को भी थैंक्स फॉर यू नो एंटरटेनिंग अस, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर थैंक यू